सब सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, आज के दिन और इस नए जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अब तक अपनी सुरक्षा में रखा है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किए हैं। आज इस सम्मेलन के सभी कामों में आपने अगौर आशीष दिया है और इस घड़ी हम सभी को धन्यवाद स्वरूप अपने मन हृदय को खोल करके जो मूर्ति दान हम इकट्ठा किए हैं उसे आपके पास लाते हैं। प्रभु आशीष से भर दीजिए और उसके द्वारा से आपकी महिमा प्रकट होने पाए। बाकी के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और विशेष करके सम्मेलन के मूल विषय में हम अध्ययन मनन करना चाहते हैं। हमारे अगुवाई कीजिए, अपनी आत्मा और ज्ञान और बुद्धि समझ हमें दीजिए, उसे समझ सकें और आने वाले समय में आपकी महिमा के योग्य हम अपने जीवन को तैयार करके आपकी सेवा को हम जारी रखें। यह प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको फिर एक बार यीशु सहाय। इस समय के लिए पूरे केंद्रीय युवा संघ को हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे जितने भी बिशप्स, जितने भी पुरोहित, इसी प्रकार जितने भी मसीह भाई बहन हैं, हमारे कलीसिया के अगुए हैं, सेंटर काउंसिल के पदाधिकारीगण हैं, सब उनको मैं धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने इस युवा संघ सभा में अपना समय दिया है, अपनी उपस्थिति दी है। और इस घड़ी हम आज के इस युवा संघ सम्मेलन के मूल विषय पर हम अध्ययन करना चाहते हैं। पीछे लिखे हुए मूल विषय सबों को दिखलाई दे रहे हैं, सब देखने पाते हैं पीछे वाला मूल विषय एकदम पीछे मेरे पीछे में लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखिए, उसी को हम लोग चर्चा करेंगे। आमोस 5 उसका 14 पद, हे लोगों बुराई को नहीं। मैं सवाल करना चाहता हूँ, बुराई से आप क्या समझते हैं? बुराई का मतलब समझते हैं क्या है? आजकल हमारे समाज में बुराई नाम का चीज ही नहीं। आमोस के समय में भी यही था। जिस वचन को मैंने पढ़ा उससे पहले के वचनों को आप पढ़ेंगे तो आमोस के समय में भी सब तरफ बुराई ही बुराई दिखलाई दे रहा था, सच्चाई कहीं दिखलाई नहीं दे रहा था। और ये वचन को जिसे आमोस ने कहा है या राज दरबार में जाकर के कहा, जहाँ राजा लोग रहते हैं, राजा का परिवार रहता है, वहाँ के लोग भी सच्चाई नहीं बोलते थे, सच्चाई उनमें नहीं था, अर्थात बुराई ही बुराई था, जिसके कारण से आमोस को यह लिखना पड़ा। कभी कभी आप लोग सच बोलते हैं, हाथ उठाइए तो कभी कभी आप लोग सच बोलते हैं? हाँ, कभी कभी तो बोलते हैं। अगर हम इस धरती पे झूठ बोलना बंद कर दें तो स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर के गीत गाने लगेंगे। कब गाए थे? मार्ग और सत्य और जीवन को प्रकट करने वाला प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था, उस दिन स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर के गीत गाने लगे थे आप लोग के जैसा। तो आज विशेष स्थानों से भी झूठ बोला जाता है जो अपराध की गिनती में नहीं गिना जाता है, बुराई की गिनती में नहीं गिना जाता। ये हमारा वर्तमान सोसाइटी है या हमारा समाज है। चोरी की तो बात अलग कीजिए, हत्या की तो बात अलग है, लेकिन झूठ बोलने में क्या जाता है उसे बुराई की गिनती में ही नहीं आता है। जीने कभी कभी लोग सच बोलते हैं, ये हमारी सोसाइटी की बात है जिसमें हम रहते हैं। बुराई का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कहा।
लुका उसका 15:11-19 में कहानी सब कोई अच्छी तरह से जानते। एक पिता के दो बेटे थे और एक बेटा उसे क्या कहता है कि मेरा हिस्सा दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। झगड़ा किया, अपना हिस्सा मांग लिया, सारा पैसा लेकर के दूर देश को चला गया और वहां उन्होंने जो कुछ भी पैसा उन्होंने लिया था उसको क्या क्या मजे में उड़ा दिया, मौज मस्ती अपने दोस्तों में करने लगा। कुछ दिन में वह कंगाल हो गया। यह कहानी आप लोग जानते हैं, जानते हैं। वह कुछ दिन में सारा पैसा खत्म हो गया और कंगाल हो गया, अपने पिता से लड़ाई किया और उस पैसे का इस्तेमाल सही काम में उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण से वह कंगाल हो गया। आप पैसा होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते। यही बुराई है, ये बुराई मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, कंगाल कर देता है, अपना समाज में सम्मान खो देता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बुराई के बारे में कहता है कि वह बिल्कुल कंगाल हो गया, खाने तक नसीब नहीं हुआ, आपको लौट कर आना पड़ा। उसे उस सच्चाई के पास आना पड़ा कि सच्चाई क्या है, उसे ढूंढ करके आया। गलाती 5:19-20 में पौलुस हरेक बुराइयों का लिस्ट बनाया है। पौलुस ने अपने पत्र में लिस्ट बना लिया और क्या कहता है, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य से बाहर होंगे, परमेश्वर के नजदीक ही नहीं जा पाएंगे। अर्थात बुराई करने वाले परमेश्वर के संगति में आ ही नहीं सकते। आप उस लिस्ट को देख लीजिए, गलाती 5:19-20 में। और नीति वचन 17:13 पद में क्या कहता है, जो कोई भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। अगर हम बाहर में घर से बाहर चुपके से बुराई करते हैं तो हमारा घर में भी बुराई रहेगा, वह अलग नहीं होगा। नीति वचन यह कहता है। हम सभी सोचते हैं अभी तो कोई नहीं देख रहा, मैं झूठ बोल करके अपना काम निकाल लूंगा। लोग कहते हैं अभी तो कमरा बंद है, थोड़ा सा हम लोग पी लेंगे, खिड़की भी बंद है और अंधेरी रात है, लाइट ऑफ करके हम लोग कर लेंगे। हम ऐसा करते हैं लेकिन उसका परिणाम आपके घर में भी दिखलाई देता है। इसलिए क्यों कर हम ऐसे ऐसे बुराई की चर्चा करेंगे, क्यों कर हम अपने लाइफ में ऐसे लोगों ऐसे चीजों को हम आने देंगे। हम ईश्वर से भी अलग हो जाएंगे, हम कंगाल भी हो जाएंगे, अपना मान सम्मान हम खो देंगे, तो क्यों इसका करेंगे। लेकिन उन दिनों में जहां आमोस रिच राज दरबार में जाकर के कहने लगा था, वहां तो एक भी सच्चाई नाम का चीज ही नहीं थी। आप एक भी सच्चाई नाम का चीज वहां पर आप नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में यह वचन लिखा गया, इसलिए कहता है कि बुराई को नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी चर्चा भी नहीं करना है। कौन बनेगा कंगाल। और एक उदाहरण मैं देता हूं कि लूका उसका 16 पद में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके घर में एक गरीब लाजर था। वह उम्मीद करता था कि कभी ना कभी मुझे कुछ खाना दे दे, लेकिन उस धनी व्यक्ति ने कभी उसकी ओर दृष्टि भी ना लगाई और ऊपर से मूसा की व्यवस्था उसके घर में रखा हुआ था, मूसा की व्यवस्था कभी पढ़ा ही नहीं। जब वह व्यक्ति मर गया तो अधोलोक में गया, अधोलोक में समझ रहे ना तो स्वर्ग ना तो नरक, बीच बीच में, ना तो उधर नीचे पहुंचता है ना ऊपर। लेकिन जहां पर वह व्यक्ति था वहां पर एक एक बूंद के लिए तरस रहा था और अब्राहम की गोद में बैठा हुआ लाजर को कह रहा है, अब्राहम उस लाजर को भेज दे कि अपना उंगली का एक सिरा पानी में डुबो करके मेरे जीभ में एक दो बूंद पानी गिरा दे। अर्थात उस अधोलोक में एक एक बूंद के लिए लोग तड़पता है,
उन्होंने कभी परमेश्वर के वचन को नहीं देखा, कभी उसमें पर दया नहीं की, कभी लाजर को देखा भी नहीं। तो यह स्थिति प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में बतला रहा है जिन्होंने कभी परमेश्वर की व्यवस्था पर नजर ही नहीं डाला, भलाई किया है इसके लिए वह कभी सोचा ही नहीं, और बाद में निवेदन करता है अब्राहम को कि लाजर को फिर से भेज दे, हमारे 5 भाई भाई हैं उधर में, ताकि वो लोग मूसा की व्यवस्था को पढ़े और इस अधोलोक में इस एक एक बंदूक को तरसने के लिए यहाँ पर ना आए। तो यह है बुराई, और बाइबल ना जाने कितने बार किस तरह से इस बुराई के बारे में वर्णन किया है, परंतु बुराई के बारे में हम यह जानते हैं कि हम बुराई के द्वारा से हम पतन की ओर चले जाएं, परमेश्वर की संगति से हम अलग हो जाएंगे, हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हो जाए, और जब कठिन आएगी तो हम चिंताओं से भर जाएंगे, कभी चैन नहीं लगेगा हमको, नींद नहीं आएगी, बेचैन हो जाएंगे, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ यहाँ वहाँ स्वयं फिरते रहेंगे। तो इसलिए आमोस कहता है कि बुराई को नहीं परंतु भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग है, यह इसराइली लोगों का सबसे महत्वपूर्ण बात था, क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा से चुने हुए लोग, और हमेशा कहते थे कि सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। अर्थात जब इसराइली लोग यात्रा किए थे और मार्ग में कितने लोगों से उन्होंने लड़ाइयां लड़नी पड़ी, कनान प्रवेश करके कितने भी वहां कनान के अस्थायी निवासी थे, पहले से रहते थे, उनके साथ में लड़ाइयां लड़नी पड़ी और उन्होंने जीत भी हासिल की। इसलिए वह कहता है सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन कनान में अब रहते हुए इन्होंने सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को भूल गया और इन्होंने बुराई का रास्ता लिया, जिसके कारण से अमोस उनके जीवन को सही राह पर लाने के लिए भविष्यवाणी करता है। अब सवाल हमारे पास यह है कि बुराई तो हमारे जीवन को बर्बाद कर ही देगा, एक झूठ के लिए फिर 100 झूठ हमें बोलना पड़ता है उसको छिपाने के लिए, एक बुराई को छिपाने के लिए हमें कितना बुराई और करना पड़ता है तब उसे हम प्रत्यक्ष करते हैं। तो इस प्रकार बुराई को छिपाने के लिए कई बुराई हम करते जाएंगे तो हमारा जीवन परमेश्वर की संगति से बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। ऐसे स्थिति में हमारे लिए आवश्यक है कि हम भलाई को ढूंढें, भलाई को या सच्चाई को हम ढूंढें, जिसको अंग्रेजी में तो गुड कहता है, गुड एंड एविल। अब यहाँ पर सच्चाई को ढूंढने के लिए हम वास्तव में क्या करें, बाइबल सच्चाई को ढूंढने के लिए तरह तरह की प्रक्रिया उन्हें बतलाया है, और ये भलाई हमारे लिए इतना लाभदायक है कि अगर हम जीवन में भलाई को ढूंढें, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि यदि कोई भलाई करे तो जीवन के पुनरुत्थान के लिए भी जी उठेंगे, अगर हम मर भी जाएंगे तब भी पुनरुत्थान के लिए हम जी उठेंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अंत के दिन में अपने साथ स्वर्गलोक में लेकर के जाएगा, जहां उन्होंने हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। इसलिए बाइबल में जो कुछ इस सच्चाई को ढूंढने के लिए जो प्रक्रिया है और तरीके हैं उस पर हम थोड़ा मना पूछा करें, पता चलेगा। पहला है हम प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। बहुत कोई सोचते हैं कि आज मैं थक गया हूं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अरे कल ही तो मैं किया था, आज थोड़ी करूंगा। प्रार्थना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें बुराई से दूर रहने की शक्ति प्रदान करता है, और प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होता है। लूका 6:46 में कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो किसी भी रीति से तुम परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं कर पाओ। अर्थात यह प्रार्थना ही हमारे आत्मा को पुनर्जीवित करता है, रिवाइवल करता है, और जब हम निरंतर या नियमित रूप से हम प्रार्थना करने लगेंगे तो हमारे अंदर
बुरा काम करने की सोच बिल्कुल दूर हो जाएगी। यह प्रार्थना हमें आत्मिक उन्नति के लिए सहायता करता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को बनाए रखता है, ईश्वर के नजदीक हमें ले जाता है, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर से बातें करने का, ईश्वर से मांगने का एक तरीका है। अर्थात बुराई से दूर रहने के लिए या भलाई को ढूंढने के लिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे चिंताएं दूर हो जाती हैं, हमारे दुख और डर हमें दम से दूर हो जाता है। हमें डर इस बात का होता है कि हमने कभी बुराई किया है उसका दंड तो हमें नहीं मिलेगा, पाप का दंड से हमें डर लगता है। तो इन प्रकार के डर से, चिंताओं से, दुख से हम दूर हो जाते हैं और इसीलिए पौलुस कहता है फिलिपी 4 उसका 4-6 पद में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि तुम रोज प्रार्थना करते हो और नियमित रूप से निरंतर प्रार्थना करते रहोगे तो परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है तुम्हारे मन और हृदय की रक्षा करेगी। समझ से बिल्कुल परे है, हम नहीं समझ सकते हैं, वो शांति हमारे मन में आएगी, हमारे जीवन में आएगी, आनंद और खुशियां आएगी, डर दूर हो जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम नियमित रूप से प्रार्थना करो, तब तुम्हें भलाई मिलेगा, तब परमेश्वर की संगति में आओगे। दूसरी बात हम क्या पाते हैं, जो प्रक्रियाओं में वचनों का अध्ययन करना, परमेश्वर के वचन। आप लोगों के पास, कितने लोगों के पास अभी बाइबल नहीं है, कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है अभी? सबके पास है, दूसरा तिमोथी 3:16 में परमेश्वर का वचन के बारे में क्या लिखा है पौलुस ने? परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अर्थात इस परमेश्वर के वचन में एक ट्रांसफॉर्मिंग पावर है, आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। आज लोग कहते हैं कि मसीह लोग धर्मांतरण करते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में धर्मांतरण की शक्ति नहीं है, परंतु जीवन को बदलने की शक्ति है, या आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को सुधार देगा। यदि आपके मन में यदि बुरे सोच है तो परमेश्वर के वचन को अध्ययन मनन करने से आपकी बुराई करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, आपकी आत्मा बदल जाएगी, या पौलुस कहता है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, या किसी के ट्रेनिंग से नहीं। अनपढ़ लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, मछली फंसा रहे थे, मछुआरे लोग थे, विस्थापित लोग थे, गरीब लोग थे, इन्होंने परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई पा करके इस वचन को इन्होंने लिखा। और परमेश्वर का अगुवाई या मोटिवेशन पा करके इस वचन को लिखा, इसलिए ही पौलुस कहता है कि उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, किसी को सुधारने के लिए, बुराई को छोड़ने के लिए, भलाई को बतलाने के लिए और सही राह पर लाने के लिए। यह बहुत ही उपयोगी है और लाभदायक है, ट्रांसफॉर्मिंग पावर है। इसलिए इस वचन को सीखना समझना हमारे लिए अनिवार्य है। यदि हम अपना जीवन में भलाई करना चाहते हैं तो उस वचन को रोज या प्रतिदिन हमें अध्ययन मनन करने की आवश्यकता है। दूसरा वचन जो इब्रानियों की पत्री उसका 4:12 पद में कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित, डेड नहीं है, मरा हुआ नहीं है, और प्रबल, एक्टिव, या बिल्कुल काम करने वाला नहीं है, सब बात एक्टिव है, हमेशा काम करने वाला है, प्रबल
और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। दोधारी तलवार से भी चोखा है के समान नहीं, से भी चोखा है। और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, बिल्कुल क्लीन रिफाइन शुद्ध कर देगा, रिफाइन कर देगा। पौलुस कलीसिया को सताने वाला मार्ग में जा रहा था, मार्ग में यीशु देख रहा था कि कब पौलुस इस रास्ते से गुजरेगा। पौलुस के समय प्रकट हुआ उसके सम्मुख। पौलुस पूछने लगा कि आप कौन हैं? पौलुस कहने लगा प्रभु यीशु मसीह का, मैं प्रभु यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है। पौलुस अंधा हो गया, उसका दिमाग घूम गया, उनका मन बदल गया। यही परमेश्वर की शक्ति है कि पौलुस के जीवन को बदल देने की, और यही वचन है जो दोधारी तलवार से भी चोखा है। और पौलुस का मन जिस दिन बदल जाता है उसी दिन वह ठान लेता है कि मैं अन्य जाति लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करूंगा। और पौलुस के इस मन परिवर्तन के कारण से ही सुसमाचार आज हमारे पास में भी आया। अर्थात यह वचन जो जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। तो इस वचन का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है जब हम बुराई से भलाई की ओर जाना चाहते हैं। यदि हम बुराई करते भी हैं और यदि हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे तो यह परमेश्वर का वचन हमारे मन हृदय के सारे बुराइयों को बिल्कुल क्लीन कर देगा, साफ कर देगा, शुद्ध और पवित्र कर देगा। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर का अध्ययन मनन नियमित रूप से हम अध्ययन करें। और एक वचन जो प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मत्ती 4:4 जिसमें शैतान उसका टेस्ट कर रहा था। शैतान कह रहा था तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो और तुमको भूख भी लगी है, पत्थरों को कह दो ना रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती 4:4 में, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन से भी लोग जीवित रह सकते। और इतनी शक्ति है, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 3 उसके 6 में 1-6 तक जब आप पढ़ेंगे, यहेजकेल को भी कहता है कि तुम इस पुस्तक को खा के पचा लो। यहेजकेल नबी ने खा करके पचा लिया और मुंह में मीठा लगा, अर्थात मधु के समान मीठा है यह वचन, मधु के समान मीठा है। और यहेजकेल नबी जब मधु के समान मीठा वचनों को खा लिया, अर्थात पूर्ण रूप से उसको समझ लिया और समझने के पास लोगों के पास संदेश प्रचार करने के लिए गया। और इसराइल के लोग उस समय सूखी हड्डियों के समान थे, ना तो हड्डियां जुड़ी हुई थी, ना तो उसमें मांस था, ना खून था, ना जीवन था। ऐसे समय में यहेजकेल को कहा था कि तुम वचन को खा के पचा लो और जाओ उन सूखी हड्डियों के पास, अर्थात इसराइली लोगों में बलाई नाम का कोई चीज नहीं है, धर्म नाम का कोई चीज नहीं है, मृतक हड्डियों के समान है, बिखरे हड्डियों के समान है, वहां पर जाओ क्योंकि यह तो दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है और प्रबल है और जीवित वचन है। और यहेजकेल ने ऐसा ही किया और उन्होंने इसराइली लोगों के बीच में वचन को सुनाया, यह है परमेश्वर का वचन। इसलिए जब हमें भलाई को ढूंढना है तो हमें वचन को अधिकाय से हमारे मन में हृदय में बसने की आवश्यकता है, उसको अध्ययन मनन करने की आवश्यकता है। तीसरी प्रक्रिया जो हमें भलाई को ढूंढने में है वह है वर्शिप, आराधना करना। और यह आराधना करना विशेष करके परमेश्वर को आदर देना, सत्कार करना, यह हमारा आराधना है। और आराधना को हम समझते हैं कि हम परमेश्वर की उपासना करते हैं। और आज हमारे कलीसियाओं में देखें, जितनी मंडली में हमारी संख्या, जितनी परिवार की संख्या है, उससे आधा से भी कम लोग आराधना में उपस्थित होते हैं।
लोग कहते हैं कि आज आराधना में हम नहीं जाएंगे। आराधना की बात तो अलग कीजिए, रोटी और दाखरस जो प्रभु का देह और लहू बांटा जाता है उसमें भी शामिल नहीं होता। प्रभुज का आराधना आरंभ होता है कि आधा से अधिक लोग तो गिरजाघर से बाहर चले जाते हैं। तो आज हमारा आराधना किस रूप में होती है? अब यह आराधना हमारे व्यक्तित्व को ही बदल देता है। जब आराधना में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के बाउंड्री के अंदर में, अर्थात किसी के कंट्रोल में है। इसलिए हमें जब भलाई को ढूंढना है तो हमें परमेश्वर की आराधना नियमित रूप से करना है। और जब हम आराधना करते हैं तो हमारे जीवन को यह पुनर्जीवित करता है, एक्टिव करता है, नया रूप देता है। इसलिए हमारे जीवन में आराधना भी बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं, परमेश्वर के समीप हम ला सकते हैं। चौथा नंबर में है सेवा करना। सेवा करना, हर कोई किसी न किसी की सेवा करता है या किसी न किसी प्रकार का सेवा का जिम्मेवारी उन्हें दी गई है। परंतु बाइबल में याकूब 2 उसका 20 पद में याकूब लिखता है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। बाइबल पढ़ो, आराधना करो और कितना भी कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारा कर्म अगर सही नहीं है तो विश्वास भी व्यर्थ है। अर्थात याकूब के कहने का अर्थ यही है कि दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। दूसरों की सेवा निस्वार्थ भाव से, मैं उसे कुछ की सेवा करूंगा तो कुछ मिलेगा, यह ना सोच करके हम उसकी सेवा करें। दूसरी बात है कि परमेश्वर के प्रेम को व्यवहारिक रूप से प्रकट करना है, अर्थात परमेश्वर के प्रेम, अर्थात परमेश्वर हमसे प्रेम किया। परमेश्वर भी चाहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, और इस प्रेम को व्यवहारिक रूप से लोगों के बीच में प्रकट करना है। परमेश्वर प्रेम है, परंतु एक दूसरे से हम प्रेम नहीं करते। जब हम भलाई करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे से प्रेम करने की आवश्यकता है, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और हमें ऐसे समय और अवसर को ढूंढना चाहिए जिसमें लोगों का भलाई। और अधिकतर लोग हम क्या करते हैं, हम ऐसे अवसर ऐसे कामों का हम तलाश करते हैं जिसमें केवल हमारा ही लाभ, दूसरों का उसमें भला ना हो। इसलिए सेवा की भावना जब हमारे मन में आती है तो हम ऐसे अवसर की खोज करें जिससे हमारा ही नहीं परंतु दूसरों का भी भला हो, तो ऐसे सेवा को हम की खोज करें। जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो वर्तमान में हमारा समाज भी आमोस के समय के समाज के जैसा ही, बहुत कम लोग भलाई की खोजी हैं। पहले मैंने कहा अधिकतर लोग तो बुराई की खोज में, कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं, कभी कभी लोग सच बोलते हैं, हमेशा ही झूठ बोलते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि बुराई करने वाले लोग की संख्या ही अधिक है, जिसके कारण से जो सच्चाई के रास्ता में चलता है वह निराश हो जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है, और जब तुम भलाई करोगे तो तुम जीवित भी रहोगे। प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आराधना और सेवा करने की आवश्यकता है।
जब इसराइली लोग जर्दन नदी के किनारे पहुंच गए और जर्दन नदी से उस पार तो कनान देश आता, मूसा को परमेश्वर ने कह दिया कि अब कनान देश तुम नहीं पहुंच सको। ऐसे समय में यहोशू का अगुवाई करने की बात थी। यहोशू भी चिंतित था कि मैं क्या करूंगा, इतने लोगों को अगुवाई करना था। अब मूसा ने वहां से मिस्र से हमें यहाँ जर्दन नदी तक हमें लाया है, आगे हम कैसे जाएंगे। दोनों के लिए चिंता के विषय था। इस समय मूसा ने क्या किया, अब नए पीढ़ी के युवा लोग थे, जर्दन नदी तक पहुंचने तक में जितने भी वयस्क थे जो मिस्र से निकले थे वे लोग रास्ते में ही मर गए थे, केवल दो ही लोग बचे हुए थे। ऐसे समय में उन युवा पीढ़ियों को, युवाओं को, आपके जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों, युवाओं को मूसा ने क्या किया, व्यवस्था को एक्सप्लेन किया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उन्होंने लिखना पड़ा और जो व्यवस्था मूसा ने परमेश्वर से प्राप्त किया उसका व्यवस्था विवरण किया, एक्सप्लेन किया, जिसको हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका छे से आगे हम पाते हैं। और मूसा ने नए पीढ़ी के युवाओं को क्या किया कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, तुम ऐसा करोगे तो तुम सफल होगे। और इसको मैं पढ़ देता हूं, जो व्यवस्था विवरण छे उसका छे से आगे, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। तेरे मन में बना रहे और चलते, उठते, बैठते इसकी चर्चा किया करना। आज हम क्या ऐसा करते हैं, क्या अपने बाल बच्चों को ऐसा हम अपने घर में सिखलाते हैं और हम चाहते हैं कि हम भलाई करेंगे और बढ़ाई को ढूंढते हैं। आज हमारे सामने, हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में कई प्रकार की बुराइयां हैं, कई प्रकार की त्रुटियां हैं, क्योंकि इसराइली लोगों के उस युवा वर्ग को जो निर्देश दिया गया था उसे इन्होंने पालन नहीं किया, जिसके कारण से इसराइली लोग फिर से बंधुआई में भी चले गए। और आगे क्या कहता है कि बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया कर और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे। टट्टू नहीं, परमेश्वर का वचन आज हमारे मन में, हृदय में होना चाहिए। और इन्हें घर के चौखट के बाजुओं में अपने फाटकों पर लिखना और सर के टीके का काम करे, अर्थात उसे सजा कर रखना है ताकि लोग देखे कि टीका को माथे पर टीका लगाया हुआ है वह बहुत ही सुंदर जगह में है, अर्थात परमेश्वर की उपयोगिता है, उस उपयोगिता को इन्होंने बड़ी भांति उन्होंने उपयोग किया है। यह होना चाहिए, टीका को अगर हम इधर लगा दें लोग कहेंगे कि गलत स्थान पर है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के वचन का उपयोग सही स्थान पर, सही जगह पर, सही तरीके से होना चाहिए। आज हमने परमेश्वर के वचन को सही तरीके से उपयोग नहीं करते, सही स्थान में उपयोग नहीं करते, सही वक्त पे भी हम उपयोग नहीं करते, जिसके कारण से कई प्रकार की बुराइयों से घिरे हैं, चिंता, दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आई। इसलिए आज हमारे लिए भी एक चिंता के विषय है कि कैसे हम अपने जीवन को सफल बनाएं। यहोशू चिंता कर रहा था कैसे हम अगुवाई करेंगे। जब यहोशू एक उसका आठवें पद में यहोशू एक आठ में सक्सेसफुल लाइफ का एक फॉर्मूला देता है कि कैसे हम सफल होंगे, कैसे हम अगुवाई करेंगे, कैसे हम सच्चाई को ढूंढेंगे, परमेश्वर के नजदीक कैसे जाएंगे, परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह को हम कैसे प्राप्त करेंगे। एक ही फॉर्मूला यहोशू को दिया था जिसके कारण से वह कनान पहुंचा था। यह कहता है एक आठ में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, तेरे काम सब सफल होंगे। अर्थात हमारे चित्त से यह वचन अलग नहीं होना चाहिए। जो दोधारी तलवार है, जीवित है, प्रबल है, वह वचन हमसे अलग नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक है,
हम समझते हैं सारे सृष्टि में हम लोग नवग्रह हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सौरमंडल नहीं है, अनेकों सौरमंडल और भी हो सकते हैं जिसे हम नहीं जानते हैं। उसको भी देखने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का ध्यान हमारे मन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमें ज्ञान और बुद्धि होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएंगे। सुलेमान राजा जब अपने पिता के बाद राजा बन रहा था, उन्होंने किसके पास गया? मिलेनियर्स के पास गया। सबसे पहले मिलेनियर्स लोगों के पास गया कि हम क्या करें अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए। उसके बाद बुद्धि जो बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स थे उसके पास गया, प्राचीनों के पास गया जो बुजुर्ग थे, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। उनके बुद्धि से उनके सलाह से वो संतुष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहने लगा कि मुझे बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। तब परमेश्वर ने उन्हें इतनी संपत्तियां दी जिसे कभी आप अब तक किसी ने नहीं प्राप्त किया। इसलिए जब आज हम मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि हमारा जीवन परमेश्वर के नजदीक में हो, परमेश्वर की संगति में हो। परंतु इस संसार की कई प्रकार की लालसाएं, अभिलाषाएं, बुराइयां हमें परमेश्वर की संगति से अलग करता है, और ऐसी परिस्थिति में हम अपने ताकत पाने के लिए, रिवाइवल पाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन पाने के लिए केवल परमेश्वर का वचन ही है। और इस वचन पर जितना अधिक हम अध्ययन करेंगे उतना ही बल सामर्थ हम पर प्राप्त होगा और हमारा जीवन बदलते हुए परमेश्वर की संगति में हमें जाएंगे। इसलिए आज जबकि इस युवा संघ सम्मेलन के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अंत में ही कहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, आत्मिक जीवन को सफल बनाने का एक तरीका, सामर्थ, उस पर हम ध्यान मनन करें ताकि हमारा जीवन सफल हो और परमेश्वर की महिमा के योग्य अपना जीवन हो और हम जीवित रहें इस धरती पर, और प्रभु यीशु मसीह के आने के वक्त भी हम प्रभु के साथ में हम चले। सबों को शुभकामना देते हुए मैं अपना संदेश यहाँ पर अंत करता हूँ। सबों को पुनः धन्यवाद। हम प्रार्थना करें, प्रेमी पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के सम्मेलन में अपने वचन के माध्यम से हमारे बीच में अपने आप को प्रकट किया, अपने वचन के रहस्यों को, उनके शिक्षाओं को हमारे बीच में प्रकट किया। हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। अब तक आपने जिस प्रकार हमारी अगुवाई की है, उसी प्रकार आने वाले समय में अपनी आत्मा का अगुवाई हमें प्रदान कीजिए, ऐसे ज्ञान और बुद्धि और समझ में प्रदान कीजिए ताकि प्रभु आने वाले समय में हम आपकी महिमा के योग्य होने पाए। हमारी हर कमजोरियों को दूर कीजिए और निर्बलताओं को दूर कीजिए ताकि प्रभु हम सफलतापूर्वक आपके वचनों को समझ सकें, आपकी आराधना महिमा करें और एक प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करते हुए अपने बाकी जीवन को प्रेरित करें। प्रभु हम आपके हाथ में पुनः समर्पित करते हुए हमारे गुनाहों को मान लेते हैं। क्षमा कीजिए, तीर्थाई की प्रार्थना स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी जोरदार तालियों के साथ सर को धन्यवाद बोलें। सर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं तहे दिल से कि आपने सुंदर वचन के द्वारा हम सबों को संबोधित किया, और हम इस वचन को केवल सुनने वाले नहीं, उनके अनुसार चलने वाले बने और परमेश्वर की आशीषों को पाए।